नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। राजस्थान के चूरू जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग की पहली साधारण सभा की बैठक काफी हंगामेदार रही। साधारण सभा की बैठक शुरू होते ही जनप्रतिनिधियों ने पेयजल, बिजली व सड़क संबंधी शिकायतों को लेकर अधिकारियों पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। वहीं जनप्रतिनिधियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को आड़े हाथ लिया। साधारण सभा की बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के कार्य के प्रति असंतोष जाहिर किया। कई बार अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के बीच तूतू मैमे भी हो गई। गौरतलब है कि जिला प्रमुख वंदना आर्य की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में संपन्न हुई साधारण सभा की बैठक में सादुलपुर प्रधान ने वीडियो पर बिना अनुशंसा के स्वीकृतियां जारी करने का आरोप लगाया तो मामला तूल पकड़ता नजर आया। लगभग 15 मिनट तक बहस के बाद महिला जनप्रतिनिधि के साथ इस रवैये को लेकर सांसद कसवा व अभिनेश महर्षि ने भी अधिकारी के इस रवैये को जनप्रतिनिधि के अधिकारों का हनन करार दिया। वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रही जिला प्रमुख वंदना आर्य ने जांच करने के आदेश दिए। इसके अलावा भानीपुरा से पहुंचे जनप्रतिनिधि ने काश्तकार दंपत्ति के साथ पुलिस के गलत रवैये की बात को लेकर पुलिस प्रशासन पर शराब तस्करों से मिलीभगत का आरोप लगाया। वहीं भानीपुरा थाने के एक पुलिस कांस्टेबल पर कार्यवाही की मांग की, जिसके बाद SP योगेंद्र फौजदार ने मामले में संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्यवाही का आश्वासन दिया। जिला परिषद सदस्य कमला पुनिया ने झींगा मछली उत्पादन के लिए लंबित पड़े बिजली कनेक्शनों को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों को आड़े हाथ लेते हुए गैर जिम्मेदाराना रवैया सुधारने की बात कही, जिसके बाद सांसद राहुल कसवा ने झींगा उत्पादन की बढ़ते रुझान को लेकर अधिकारियों को आवेदन के 24 घंटे में कनेक्शन उपलब्ध करवाने की हिदायत दी। बैठक में तारानगर प्रधान संजय कसवा, राजगढ़ प्रधान विनोद देवी, सरदार शहर प्रधान निर्मला राजपुरोहित, राजकुमार सिहाग, विमला कालवा, कमला पुनिया, सोहनलाल आदि सदस्यों ने ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न मसले पर विचार व्यक्त किए और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं से अवगत करवाया। संवाददाता कौशल शर्मा की रिपोर्ट। जी सर, जिला परिषद की आज साधारण सभा की बैठक थी, जिसके अंदर प्रमुख मुद्दे अध्यक्षता प्रमुख मोदी के द्वारा उठाए गए हैं। माननीय रखा है जो मेरे लिए प्राथमिकता का मुद्दा है, वो जल जीवन मिशन का है। जल जीवन मिशन ने एक बेहतरीन योजना है जो आने वाले 25 साल तक हमारे जिले के प्रत्येक गाँव तक पीने का पानी पहुँचाने का काम है। उसके लिए इसमें बहुत अनियमितता नजर आई है। कलेक्टर महोदय को जमीन स्पेशल इस बात के लिए कहा है कि आप इसकी हर महीने की मॉनिटरिंग करें। जिन गाँवों में काम पूरे होते जा रहे हैं, उन गाँव में पीने का पानी नहीं पहुंच रहा। ऐसे के अंदर लापरवाहियाँ बहुत होती डिपार्टमेंट के मार्फत, तो उसको चेक करना बहुत जरूरी है। बाकी अनेक मुद्दे राजगढ़ प्रधान का भी बड़ा मुद्दा उठ के आया, जो एक मुद्दा चिंताजनक है। आज एक डेमोक्रेसी के अंदर प्रजातंत्र में सबसे चुने हुए पद को प्रधान का पद होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य करता है। और वीडियो की आप हदी है कि अपने मुताबिक काम कर रहे हैं। कलेक्टर के संज्ञान में बात डाली और उनको कहा है कि जो ग्रेड पूरे काम बिना प्रधान के, बिना जो समिति के अप्रूवल के काम निकाले हुए मदद किए जाए और वीडियो को पाबंद किया जाए कि प्रधान के हेल्पिंग हैंड के लिए तो वीडियो का पद होता है। एक सांसद के रूप में, विधायक के रूप में हमारे CEO को हमारे वक्त संभालते हैं, ऐसे वीडियो का काम हुआ है। पर बहुत दुख की बात यही पड़ी कि आज प्रजातंत्र के अंदर एक महिला जो प्रधान, उसके साथ में इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। जैसे अनेक मुद्दे होते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसको फोकस करे। झींगा मछली को लेकर, वो झींगा मछली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन एक ऐसा एक प्रोग्राम है जिसके तहत किसानों को एक बहुत बड़ा रोजगार मिल सकता है। इसके तहत हम पिछले काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है इनलैंड फिशरी को लेकर चल रहा है। इसी को लेकर हमारे पास में एक जो कमियाँ थी उसको पूरा करने का एक मेरा सांसद के निर्णय में काम कर रहा हूँ। और हमारी कोशिश ये करी कि जिले के अंदर लैब की व्यवस्था की जाए। पहले हमारे पास लैब थी नहीं, लैब हमारी रोहतक में थी, वो हमने KV के चांदकोठी के अंदर अप्रूव कराई। 2.5 करोड़ का फंड्स भारत सरकार ने सैंक्शन किया है, बहुत जल्द स्वीकृति आ जाएगी। हमने राजस्थान सरकार से भी निवेदन किया है कि आप चूरू के अंदर परमानेंट एक ऑफिस खोलिए, यहाँ पे फिशरी का अधिकारी ही नहीं बैठता है। तो जिन किसानों को सब्सिडी कर सकें जी बताएं। सर वीडियो साहब अपने आप को सर्विस लॉ मानते हैं, हमारी कोई बात नहीं मानते। जैसे स्वीकृतियाँ प्रशासनिक जो भी है, हमें किसी चीज़ से अवगत नहीं कराते हैं। किसी चीज़ के लिए बोलते हैं आप सिग्नेचर करो तो नहीं करते। जैसे प्रशासन है, स्थापना स्थायी समिति की बैठक रखते हैं, उसके लिए भी सिग्नेचर नहीं करते। मन मर्जी से छुट्टी के दिन बैठक रखी, ये बताओ ज़्यादातर हम लेडीज है छुट्टी के दिन घर संभालेंगे या वहाँ आएंगे? किस तरह का आश्वासन मिला है कार्यवाही को लेकर?
देखो सीओ साहब ने बोला तो है, हमें विश्वास है उचित न्याय करेंगे। आपका नाम? विनोद पूनिया।